अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक एज अ न्यू ब्रांड वीडियो। आज है हमारा ब्लॉगर का पार्ट नंबर 3। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से बेस्ट टॉपिक फॉर ब्लॉगर, ब्लॉगर के लिए अच्छे टॉपिक कौन से हैं जिससे हम अच्छा खासा पैसा कमा सकें। एंड उसके बाद हमने आज की इस वीडियो में सिर्फ बनाएंगे 6 पेजेस, ठीक है, वो भी सारा कुछ मैं आपको तरीकाकार सभी बताऊंगा और बनाकर दिखाऊंगा, ठीक हो गया। इससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर डेली आते रहें। दोस्तों, अगर आपने दो पार्ट पहले वाले नहीं देखे तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप पहले जाकर वो देखेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंपल, आप फर्स्ट टाइम अभी अपना यहाँ से ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ से मैंने मेरी जो वेबसाइट है जो कि हम बना रहे थे asifpardesi.com वाली, तो अभी ये हमारे पास वेबसाइट ओपन है और यहाँ पर मैंने देखें आपके सामने 6 पेजेस बनाए हुए हैं और मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से आपने बनाने हैं। सिंपल, आपने जाना है न्यू टैब के अंदर। न्यू टैब के अंदर जाने के बाद ये आप काम मोबाइल पे भी कर सकते हैं क्योंकि ईजिली होता है लैपटॉप पर समझाना, मोबाइल पर भी ईजिली काम कर सकते हैं। सिंपल, जो कि हमने पहला पेज क्रिएट किया है वो डिस्क्लेमर का, ठीक हो गया। डिस्क्लेमर हम यहाँ पर आपने जाना गूगल में, गूगल में आप जैसे लिखना डिस्क्लेमर तो वहाँ पर आपको वेबसाइट ओपन होगी disclaimergenerator.com, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर पहले नंबर पे ये वेबसाइट आ गई, आपने इसको ओपन कर लेना, ठीक है। ऐसे ओपन करेंगे, इसके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा। सिंपल, आपको साइड नज़र आ रहा है कि योर कंपनी नेम, सिंपल जो भी आपका कंपनी नेम है इस कंपनी नेम की जगह पे आपने अपनी वेबसाइट का नेम लिखना है। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ जी आसिफ परदेसी, ठीक है, मेरी वेबसाइट का नेम है क्योंकि यहाँ से मैं लिख लेता हूँ। नीचे इसको कॉपी करने के बाद नीचे वेबसाइट का नेम पर भी आपने यही पेस्ट कर देना है। वेबसाइट के नेम पे भी हम यही पेस्ट कर देते हैं। नीचे उसके बाद आपको मिला यूआरएल, आपने यूआरएल भी ये डाल देना जो अपनी वेबसाइट का नेम है वो डालना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है कंट्री का, आपने कंट्री के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से मैं अपनी पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जी अभी पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर स्टेट पर जाने के बाद आपका कौन सा सूबा, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या जो भी है आपका। ईमेल पे आपने एक अपनी ईमेल दे देनी, यहाँ से ईमेल देता हूँ और जनरेट माई डिस्क्लेमर के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ मेरे पास ये देखें डिस्क्लेमर जनरेट होकर आ गया। आपने यहाँ से कॉपी करना है, सारा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर डिस्क्लेमर वाला पेज बना लेना है। यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके, यहाँ से मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सर्वर का मसला है नेट का, तो ये भी देखें लोडिंग हो गया। यहाँ पर आपने पोस्ट का टाइटल देना है, यहाँ से कंपोज करने के बाद यहाँ से आपने वो पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। आपने यहाँ पर वो जो अपना सारा उठाया हुआ है वहाँ पर आपने ये यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पोस्ट का अपने टाइटल डिस्क्लेमर दे देना है। इस तरह से आपने डिस्क्लेमर का पेज बना लिया एंड उसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने आज सारे पेजेस ऑलरेडी बना चुका हूँ। एंड न्यू टैब में जाना है, डिस्क्लेमर आपका क्रिएट, आगे आपने क्रिएट करना है प्राइवेसी पॉलिसी का, देखें प्राइवेसी पॉलिसी generator.com, इसको भी आपने वैसे ही फिल करना है। यहाँ पर आपको ये थर्ड नंबर पे इसको इन्फो वाली वेबसाइट ओपन करके यहाँ पर इसको भी वैसे पुट करना है। यहाँ से आपको ये प्राइवेसी पॉलिसी मिल जाएगी, आपने इसको कॉपी करना है, सिंपल जाना है, वैसे लिखना है, पेस्ट कर देना है। एंड उसके बाद आपका अगला डिस्क्लेमर भी हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। आगे आपको मिलता है कुकी पॉलिसी का, यहाँ पर हम लिखते हैं कुकी पॉलिसी, cookiepolicygenerator.com, आपने इसको ओपन करना है, यहाँ से इंटर करना है। इंटर करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपको इस तरह की ये वेबसाइट नज़र आएगी, आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पर देखें इसको आपने क्रिएट न्यू कुकी पॉलिसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लॉग इन फ्यूचर, यहाँ पर कुछ भी आपने 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने, यहाँ से कुछ भी आपने 2-3 सेलेक्ट कर लेने हैं। एंड उसके बाद बाय ईमेल कर देना है और यहाँ से आपने ईमेल अपनी पुट कर देनी है। यहाँ से कोई भी आप अपनी ईमेल लिख सकते हैं, मैं यहाँ से कोई भी अपनी ईमेल लिख लेता हूँ। एंड उसके बाद जी @gmail.com एंड उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें। जैसे नेक्स्ट के ऊपर यहाँ से अपनी वेबसाइट का नेम डाल सकते हैं एंड उसके बाद आप कोई सा भी, ठीक हो गया। एंड इसके बाद आप कंट्री कोई भी अपनी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपकी अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान, अगर इंडिया या किसी और कंट्री से हैं तो आप कोई कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर स्टेट कंट्री, यहाँ पर आपने स्टेट के ऊपर पंजाब सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ईमेल जो कि आप किया वो डाल देनी है। जनरेट माई कुकी पॉलिसी के ऊपर आपने जैसे क्लिक करना है तो आपके पास, सॉरी यहाँ से मैंने ये थोड़ा ईमेल गलत दी थी, ये सिंपल आपने ये जो देखें ईमेल थे मेरी जो गलत है, यहाँ से अभी क्या करते हैं हम अपनी दोबारा यहाँ से कंट्री दोबारा सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से जब मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट कर, यहाँ से पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर स्टेट पर आपने पंजाब एंड उसके बाद यहाँ पर ईमेल पर आपने सही सी अपनी ईमेल दे देनी है @gmail.com, ठीक हो गया। एंड जनरेट माई
कुकी पॉलिसी के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये देखिए आपकी कुकी पॉलिसी जनरेट होकर आ चुकी है। यहाँ से आपने इसको पूरा कॉपी करना है, वैसे जाना है वहाँ पर पेस्ट कर देना, बिल्कुल आसान है। एंड उसके बाद आपने एक पेज बनाना है अबाउट अस एंड कॉन्टेंट अस का। अबाउट अस कॉन्टेंट अस बिल्कुल आपने ऐसे ही बना लेना है, पेज ठीक हो गया। अपने अबाउट अस का पेज बनाना है और उसमें अपने बारे में लिखना है कि आप कौन है, किस तरह की इस वेबसाइट का, आप क्या करेंगे, सारा तरीक़ाकार आपने अबाउट अस के बारे में लिख लेना है। ये देखे मैंने लिखा आई एम यूट्यूबर ब्लॉगर, आई प्रोवाइड टिप्स एंड ट्रिक्स फ्री। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया, बस जैसे ही आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद अगला पेज है हमारा कॉन्टेंट अस का। आपने कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना, जैसे आप कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। आपने क्या काम करना है यहाँ पर जी, आपको एक मिलने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक फाइल का लिंक होगा, उसमें इस तरह की कुछ फाइल होगी, आपने वो फाइल कॉपी करनी है। उसको आपने जाना है HTML के अंदर, वो वहाँ पर HTML के अंदर जाकर पेस्ट कर देना है। यहाँ से मैं इसको कट कर देना है और यहाँ से HTML के अंदर जाकर इसको आपने पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपल है इसको आपने पब्लिक कर देना है, ठीक है, अपडेट कर देना है। यहाँ पर देखिए कॉन्टेंट टास्क का ये फॉर्म है। तो इस तरह से आपने ये 6 पेजेस बनाने हैं, बिल्कुल आसान है, मैंने आपको बता दिया। एंड उसके बाद आपको एक पेज रहता है टर्म एंड कंडीशन का, सॉरी मैंने आपको टर्म एंड कंडीशन का पेजेस बनाना नहीं, इसका आपने सिंपल लिखना है टर्म एंड कंडीशन जनरेटर .com। इसको भी बिल्कुल सेम है जैसे दूसरे पेजेस बनाए हैं, वैसे ही ये पेजेस बनेंगे। इस तरह से आपने अपने ब्लॉग के अंदर ये सारे पेजेस सेट कर लेने हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। इस तरह से आप अपने ब्लॉग के अंदर पेजेस बना सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे किस तरह से, आपको मैं और भी टॉपिक दिखा देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि आर्टिकल कैसे लिखना है, आर्टिकल कहाँ से लेना है, इमेज कहाँ से लेनी है, थीम कौन सी बेस्ट है, थीम अपलोड कैसे करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये चारों टॉपिक कवर करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह।